History of Education in Pakistan. Looking at the history of education in Pakistan, we will be looking at the post-independence era, yani azadi milne ke baad, kya adwar the education pe. Post-independence, both India and Pakistan inherited the education system installed about a century ago by the British Empire. और फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने आज़ादी मिलने के बाद एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो है वो विरसे में लिया जिसे कि ब्रिटिश एम्पायर तकरीबन 100 साल पहले वज़ा कर चुके थे. अब खासियत ये थी कि ये एजुकेशन सिस्टम की जो बुनियाद थी वो रखी गई थी बहुत सी समाजी, मुआशी, सकाफती और सियासी बेसिस के ऊपर जो कि बिल्कुल फ़र्क थी पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर, यानी जो नई स्टेट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का एजुकेशन सिस्टम था जिसकी बुनियाद बिल्कुल मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर रखी गई थी और वो फैक्टर्स जो कि एक यूनाइटेड इंडिया के तौर पे या सब कॉन्टिनेंट के तौर पे कारफरमा थे. सो फ़र्क ये है कि अब नई स्टेट्स तो मरज वजूद में आ गई लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक यूनाइटेड कंट्री का चला आ रहा है जिसकी बुनियाद बिल्कुल मुख्तलिफ असूलों पर रखी गई थी. और At the time of inception of Pakistan, Pakistan banne ke waqt, iski 90% abadi jo thi, wo takriban illiterate thi, yani padhi likhi nahi thi. A soundly resourceful nation could educate this vast majority of people. However, Pakistan, with its meager resources and a mere handful of institutions, could not meet the demand. Aur ye jo crisis hume virse mein milta hai, jisme takriban 90% abadi jo hai, wo illiterate hai, तो उस सूरत में एक नेशन उसी वक्त इतनी बड़ी मेजॉरिटी को एजुकेट कर सकता जब उसके पास रिसोर्सेज होते. लेकिन पाकिस्तान अपने बिल्कुल थोड़े से रिसोर्सेज और मुट्ठी भर इंस्टीट्यूशंस के साथ ये करने से कासिर रहा. Thus the nation was unluckily and is still confronted with multiple problems like expanding the educational facilities to meet the needs of the ever increasing school age population and improving the prevailing quality of education being imparted in its school, colleges and universities. और उस वक्त भी और आज भी हम इसी किस्म के मसाइल से दो चार हैं कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो कि बतदरीज बढ़ रही है स्कूलों में आने के लिए उनको फैसिलिटीज देने से कासिर हैं, उन्हें एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने से मुकम्मल तौर पर इस बात से भी कासिर है और फिर उसके साथ साथ इम्प्रूव करने की क्वालिटी एजुकेशन की जो है इसके स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इसमें भी एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस इसी फैक्टर की वजह से है. अब इन मसाइल का हल क्या हो सकता है? एक हल तो यह है कि दीज प्रॉब्लम्स डिमांडेड द प्रोविजन ऑफ एन एडिक्वेट नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बाय अमेंडिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम. द अनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ वेल ट्रेन्ड टीचर्स, curriculum reorganization, reorientation of teaching methods and the organization of adult education to eradicate mass illiteracy. और देखिए बड़ा वाज़े सा हल हमारे पास है कि हम एक तो अपने resources को बढ़ाएं और फिर जहां पे हमारे trained teachers चाहिए वहां उनके ऊपर काम करें, अपने curriculum को यानी निसाब को reorganize करें और teaching जो methods हैं उनकी reorientation करने की ज़रूरत है, उनको एक दफ़ा revisit करने की ज़रूरत है. और फिर कुछ ऐसे हो ऑर्गेनाइजेशन करें एडल्ट एजुकेशन की जिसमें जो लोग जो पॉपुलेशन नौजवानों की है उसे भी तालीम दें ताकि जो मैस इलिटरेसी है, जो इलिटरेसी इतने बड़े पैमाने के ऊपर है, उसको किसी भी तरह से कम किया जा सके.